इन पोस्टरों को देखिए, ये पोस्टर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में लगे हुए हैं। इन पोस्टरों में बीजेपी नेता संजय जोशी की तारीफ की गई है। पोस्टरों पर देखिए क्या लिखा है, कहो दिल से संजय जोशी फिर से। यानी गुजरात के ताकतवर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में बीजेपी के ही एक दूसरे बड़े नेता संजय जोशी को फिर से लाने की मांग हो रही है। आखिर संजय जोशी को फिर से लाने की मांग कौन कर रहा है और क्यों, इसकी वजह क्या है? लेकिन ये तो साफ है कि इन पोस्टरों के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि इन पोस्टरों पर नरेंद्र मोदी का नाम सीधे सीधे कहीं भी नहीं लिखा है। पोस्टरों में सिर्फ लिखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अब ये इशारा किसकी तरफ है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि मोदी पर हमला करते ये पोस्टर संजय जोशी की ओर से लगवाए गए होंगे। होर्डिंग और पोस्टर के बारे में जब एबीपी न्यूज ने संजय जोशी से बात की तो संजय जोशी ने कहा कि पोस्टर और होर्डिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। पोस्टर और होर्डिंग लगाने वाले शरारती तत्व हैं और वो उनका यानी कि संजय भाई जोशी का और बीजेपी का नुकसान करना चाहते हैं। बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में भी ये पोस्टर लगे हैं। हालांकि बीजेपी मान रही है कि ये किसी की शरारत है। किस तरह का पोस्टर है, इस तरह का कुछ शरारती तत्व इस तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई में कांग्रेस ने मौका खोज निकाला मोदी पर हमला करने का। सुनिए बीजेपी के आंतरिक मामले में गुजरात कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाड़िया ने कैसे दी है दखल। जो नरेंद्र मोदी, हरेन पंड्या, केशुभाई पटेल, डॉक्टर एके पटेल, काशीराम राणा, सूरत सुरेश मेहता और अभी संजय जोशी से लेकर कई जो कार्यकर्ता लीडर्स थे, उसकी क्या हालत कर दी है उसके आज के दिनों में। और ये नरेंद्र मोदी को सिर्फ फंड के लिए कितने हद तक वो छूट देकर रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के महज कुछ महीनों पहले संजय जोशी के ये पोस्टर बीजेपी के अंदर एक बड़े कलह की कहानी बयान करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और संजय जोशी में बनती नहीं है। दोनों के बीच झगड़ा काफी पुराना है। दोनों के बीच एक ही बात कॉमन है कि दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले नेता हैं और दोनों को संघ बहुत पसंद करता है। लेकिन आज दोनों के बीच तलवारें खींची हुई हैं। इस झगड़े की सबसे ताजा कड़ी तो मुंबई में देखने को मिली, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। नरेंद्र मोदी ने ठान ली थी कि मुंबई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संजय जोशी नहीं दिखने चाहिए। मोदी की जिद के आगे बीजेपी को झुकना पड़ा और संजय जोशी को कार्यकारिणी से इस्तीफा तक देना पड़ा। हाँ, उन्होंने मेरी जो खबर है कि उन्होंने ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी से थ्रेटन किया कि मैं वहाँ उससे इस्तीफा दे दूँ अगर संजय भाई जोशी को ड्रॉप नहीं किया जाए। और उन्हों और गडकरी जी वगैरह चाहते थे कि ये बहुत साइलेंटली बिहाइंड द सीन्स हो जाए, उन्हें चुपचाप ड्रॉप किया जाए और मीडिया में इसकी ज़्यादा आलोचना, ज़्यादा चर्चा ना हो। लेकिन मोदी जी ने चाहा कि बिल्कुल पब्लिकली होना चाहिए पूरा। वो एक पब्लिक स्टेटमेंट बनाना चाहते थे कि वो ताकतवर हैं, ये जो युद्ध हो रहा है। सुनिए गुजरात बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला का दोनों के बारे में क्या मानना है। एक वोकल थे, एक्टिव थे, इम्प्रेसिव थे, अपनी बात के लिए कैसे भी चीज आपको माननी पड़ेगी इस मेंटालिटी के थे। दूसरे लो प्रोफाइल थे, सिंपल थे, सादे थे, वेल क्वालिफाइड गोल्ड मेडलिस्ट संगठन के आदमी थे। मेरी बात कहता हूँ, मानो मानो, नहीं मानो कोई बात नहीं, मैं तो संघ के हिसाब से आया हूँ, काम करूंगा, संघ कहेगा काम करो करता रहूंगा। संगठन का मेरा काम है फोटो छपवाना, छापा में पेपर में नाम आना, लोगों के ऊपर इम्प्रेस करना। ऐसे में सवाल यही उठता है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? क्या नरेंद्र मोदी संजय जोशी से डरते हैं? क्या मोदी को यह डर सता रहा है कि 90 के दशक में गुजरात में बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रहे संजय जोशी फिर से उनका खेल खराब कर सकते हैं? कि संजय भाई गुजरात में थे तब उनको ये प्रॉब्लम था कि संजय जोशी मुझे गुजरात नहीं आने देते हैं,
जब संजय भाई दिल्ली गए तो उनको ये प्रॉब्लम है कि संजय भाई दिल्ली में अगर पोजीशन संभालेंगे तो मैं पीएम नहीं बन पाऊंगा. फॉर बिकमिंग 1% पॉलिटिकल कैरियर ही इज रूइनिंग द कैरियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पार्टी वर्कर्स. संजय जोशी का पूरे देश में जो जनाधार है, उनके तहसील से लेकर जिले तक और जिले से राज्य तक पूरे देश में उनको लोग सीधे तौर पर जानते हैं और वो उनको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरोगेंस नहीं है. जबकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो एरोगेंस की पॉलिटिक्स है. इसीलिए किसी भी नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी की राजनीतिक धारा के नेताओं को संजय जोशी ऐसी धारा के लोगों से डरना ही पड़ता.